जबलपुर से खबर मिल रही है। जबलपुर आबकारी विभाग का छापा, जबलपुर क्लब में आबकारी विभाग का छापा। अवैध मात्रा में पकड़ी गई अंग्रेजी शराब, क्लब में बिना लाइसेंस बेची जा रही थी शराब। तो जबलपुर क्लब को आबकारी विभाग ने सील किया है। कब्जे से 10 बोतल अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की गई है। तो जबलपुर से खबर बता रहे हैं, जहां जबलपुर क्लब में आबकारी विभाग की छापेमार कार्रवाई, वही कब्जे से 10 बोतल अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की गई है। क्लब में बिना लाइसेंस की शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। मौके से 10 बोतल अंग्रेजी अवैध शराब भी जब्त की गई है। तो क्लब में बिना लाइसेंस के शराब बेची जा रही थी। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते संवाददाता देवजीत जुड़ गए हैं। देवजीत, कैसे ये छापेमार कार्रवाई हो पाई, किसकी सूचना पर ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, जबलपुर कलेक्टर कर्णवीर शर्मा और आबकारी विभाग के अधिकारी एसएन दुबे के निर्देश अनुसार जो है ये आबकारी विभाग की एक कार्रवाई जो है बड़ी कार्रवाई मानेंगे इसको, क्योंकि जबलपुर क्लब में एक कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग ने छापामार जब कार्रवाई की तो वहां से कुछ अंग्रेजी शराब की बोतलें जो की भारी कीमत की बताई जा रही है, जिसमें उसमें 3 भरी हुई और बाकी खाली बोतलें जो है उस जबलपुर क्लब से मिली है। जबलपुर क्लब एक जो है काफी बड़ा क्लब है जबलपुर, और इसमें जो है बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब कल जब देर रात आबकारी विभाग ने इसमें छापा मारा तो कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति वहां पर मच गई थी। फिलहाल अभी जो है आबकारी विभाग ने इसमें इसको जबलपुर क्लब को सील कर दिया है और जांच अब जो है वो कर रही है आबकारी विभाग। प्रशंसा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवजीत तमाम जानकारी के लिए।